एक बार एक व्यक्ति संत के पास गए, बोले मेरा मन बहुत विचलित रहता है, क्या करें। संत ने कहा चलो पैदल चल के जाते हैं, घूम के आते हैं, भ्रमण करते हैं। नदी के किनारे लेके आए, नदी के बहाव को दोनों देख रहे थे कुछ समय। संत ने पूछा क्या देखते हो, कहता है जल देख रहा हूँ। और क्या देखते हो, बोले पत्थर हैं। और क्या देखते हो, जल का बहाव इस तरह से है कि चाहे कितने भी पथरीले अड़चने आए उसके चारों तरफ भ्रमण करते हुए घूमते हुए जा रहा है। संत ने कहा यही मैं सुनाना चाह रहा था आपको कि जीवन में कई अड़चने कई बाधाएं आएंगी, लेकिन हर बाधाओं के बीच आपको इस जल की भांति उसके चारों तरफ घूम के आगे बढ़ना है। अगर इसकी क्षमता नहीं तो आप अपने गंतव्य को नहीं पहुंच सकते, और हर प्रकार से हर क्षण आपके जीवन के अपने लक्ष्य से आपको विचलित करने वाले कई लोग मिलेंगे। आपको विचलित नहीं होना है, आपको पूरी तरह तल्लीन होकर उसी लक्ष्य को निर्धारित करके प्राप्त करने का कर्मठ प्रयास करना है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्प्रदर्शिनः। गीता में वर्णन किया गया है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के इस यात्रा में गुरु की आवश्यकता है, वो गुरु जो हमें जीवन के इस प्रकार के पथरीले बाधाओं के आने पर हमें बताएं कि किस दिशा में हम निर्णय लें, जिससे कि हम पत्थर के चारों तरफ चलकर वास्तविक गंतव्य को पहुंच के अपने जीवन को सफल बना सकें। आइए हम भी अपने जीवन में दृढ़ संकल्प करके अपने हृदय के अंदर भावनाओं के इस नदी को कृष्ण करुणा सिंधु की ओर प्रवाहित करते हुए हर प्रकार के अड़चनों के चारों तरफ चलते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें।